नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल देव त्यागी। पिछले सेशन में हमने मैट्रिक्स में 18 प्रश्न तक कर लिए थे। प्रश्नावली में 3.3 में 3.2 में अब हम 19वां क्वेश्चन शुरू करेंगे। 19वें क्वेश्चन में देखिए, आपको दे रखा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़। एक ट्रस्ट में 30,000 रुपये थे, उनमें से इन्होंने क्या करा कि कुछ पैसे को 5% इंटरेस्ट पे और कुछ पैसे को 7% पर ईयर के इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया। अब ये चाह रहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से आप ज्ञात कीजिए कि कितना कितना पैसा किस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि फर्स्ट पार्ट है इसमें कि 1800 रुपये का प्रॉफिट हो और दूसरा पार्ट है इसमें कि 2000 का प्रॉफिट हो। तो हम मान के चलते हैं, माना पहले टाइप के बॉन्ड पे, पहले बॉन्ड में इन्होंने एक्स रुपीज़ लगा दिए, तो दूसरे बॉन्ड में कितने लगेंगे, क्योंकि 30,000 टोटल हैं आपके पास, तो 30,000 माइनस में एक्स, ठीक है। और इंटरेस्ट इनका पहले वाले पे 5% है और दूसरे वाले पे 7% है। तो अब हम इस पर अगर 5% निकालें फर्स्ट बॉन्ड पे, तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 7x अपॉन 100। दूसरे वाले पे इसी तरीके से निकाल सकते हैं, फिर जोड़ के उसे 18,000 के यानी कि 1800 रुपये के बराबर रख सकते हैं। परंतु हमें ये करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड में आप ध्यान रखें कि जो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं उसे आप एक पंक्ति आव्यूह बनाएं, और जो उनका मूल्य दे रखा है या इंटरेस्ट रेट दे रखा है उसे एक स्तंभ आव्यूह के रूप में रखें, और गुणा करके इक्वल जो उनका टोटल है उसके इक्वल रखना है हमें, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टोटल इंटरेस्ट मैट्रिक्स मेथड से। मैंने कहा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उन्हें आप रखोगे पंक्ति में, 30,000 माइनस में एक्स, और जो इनका रेट है वो आप रखेंगे स्तंभ में, 5/100 और 7/100, और इनका टोटल कितना है फर्स्ट पार्ट में 1800 रुपये ए पार्ट में। ये ए पार्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो ए पार्ट में ये टोटल इंटरेस्ट 1800 है। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो देखिए, स्तंभ की गुणा हम पंक्ति में करते थे, इसकी गुणा जब इसमें करेंगे तो 5x, ये यहाँ पे 5% था। ये हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है, बस इसके बाद डायरेक्ट यही आपको करना है। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो यहाँ से आया हमारे पास 5x/100 प्लस इसकी गुणा इसके साथ जाती है, ये हो गया हमारे पास 30,000 माइनस एक्स इंटू में 7/100, और ये किसके इक्वल, ये इक्वल है हमारे पास 1800 के। तो अब तुलना करने पर दोनों की, इसे भी एक आव्यूह के रूप में ही रखेंगे आप, अब तुलना करने पर दोनों एलिमेंट्स को इक्वल रखेंगे, तो यानी कि 5x/100 प्लस में 7 के अंदर गुणा कर दीजिए, 210,000 हो जाएंगे, माइनस में 7x हो जाएंगे और बटे में 100 हो जाएगा बराबर 1800 के। 100 कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस के 7x हैं और प्लस के 5x हैं हमारे पास, तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 2x और प्लस के 210,000 बराबर, जब 100 की गुणा इधर करेंगे तो इधर हो जाएंगे हमारे पास 180,000, ठीक है। अब इन्हें इधर ले जाके घटाएंगे तो माइनस के 2x हमारे पास हुए, माइनस के हो जाएंगे 210,000 और माइनस के 180,000,
तो माइनस के 2x हमारे पास बचे माइनस के 15,000 के, सॉरी 30,000 के, ठीक है। अब माइनस से माइनस और x की वैल्यू जब 2 से इधर भाग करेंगे तो कितना आ गया 15,000, यानी कि 30,000 में से 15,000 एक बॉन्ड में लगाने पड़ेंगे आपको, और 30 माइनस एक्स करेंगे जब यहाँ पे 30,000 माइनस एक्स करेंगे 15,000 ही दूसरे बॉन्ड में। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास आया 15,000 5% वाले में लगा दीजिए और 15,000 ही 7% वाले में लगा दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें जो लाभ होगा वो 1800 रुपये का हो जाएगा। इसी तरीके से हमें बी पार्ट भी करना है। बी पार्ट में जो का त्यों रहेगा, ये तो लेफ्ट साइड जो आपकी थी, बस यहाँ पे चेंज होगा, इसे इक्वल रखना है हमें 2000 के, ठीक। यहाँ पे भी 2000 चलेगा, यहाँ पे भी 2000 चलेगा। यहाँ पे जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 200000 हो जाएगा, और 200000 जब इसमें से घटेगा तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगी, और 10,000 बटे में जब 2 करेंगे लेके तो 5,000 हो जाएगा, यानी कि पहले बॉन्ड में 5,000 और दूसरे बॉन्ड में हमें 25,000 लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया होगा। इसका बी पार्ट भी मैंने कहा बस 1800 की जगह पे यहाँ पे 2000 चेंज करना है आपको, और प्रश्न को इसी तरीके से करते चले जाएंगे तो बॉन्ड्स में आपके 5,000 और 25,000 का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 भी आपका इसी तरीके से है। एक जो बुक शॉप वाला है उसके पास 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की किताबें हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे केमिस्ट्री की कितनी किताबें हैं, 10 दर्जन है, 10 दर्जन है। फिर फिजिक्स की 8 दर्जन है हमारे पास, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स की हमें दे रखी है वो भी 10 दर्जन किताबें हैं। इसने कहा है देयर सेलिंग प्राइस आर, उनका जो बिक्री मूल्य है वो 80, 60 और 40 है ईच का, हर किताब का। तो हमें डोजन को यहाँ पे टोटल निकाल लेना है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 डोजन कितना हो जाएगा, यानी कि 120 बुक्स हमारे पास हो गई, यहाँ से 96 बुक हमारे पास हो गई, और यहाँ से फिर 120 बुक हमारे पास हो गई। एक दर्जन में 12 होते हैं, तो कुल मिला के हमने 12 से गुणा कर करके ये निकाल लिया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक, और इनके रेट प्राइस हमें दे रखे हैं, प्राइस है आपके पास केमिस्ट्री की बुक का है 80 रुपये प्रति बुक के हिसाब से, ठीक। फिर फिजिक्स का है वो है हमारे पास 60 रुपये पर बुक के हिसाब से, और इकोनॉमिक्स वो हमारी 40 रुपये पर बुक के हिसाब से है। तो अब ये कह रहा है कि टोटल कितना पेमेंट उसे देना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स मेथड से आपको निकालना है। मैंने आपको बताया था जो ऑब्जेक्ट है उसे तो रो में लिखना है, और जो उनके प्राइजेज हैं वो आपको कॉलम में लिखने हैं, ठीक है। तो टोटल प्राइस वो हमारे पास हो जाएगा 120, 96 और 120, ये तो हमने पंक्ति में लिख दिया, और गुणा करेंगे इसकी एक स्तंभावयु जो इनका प्राइस है 80, 60 और 40, ये टोटल प्राइस हमारे पास आएगा। देखिए 80 की गुणा तो जाएगी 120 में, प्लस में 96 की गुणा जाएगी 60 में, और इसी तरीके से 120 की गुणा हमारी जाएगी अब 40 के साथ। तो 9600 रुपये तो ये हुए, 5760 रुपये ये हुए, और 4800 रुपये ये हो गए। सबका हम योग कर सकते हैं,
योग करके हमारे पास उत्तर आ जाएगा 0। यहाँ से फिर 6 और 8, 7, 15 और 6, 21, 6, 11 और 9, 20, यानी कि 20,160 रुपये आपको कुल मिलाकर देने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। योग एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, यही आता है कि नहीं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट हो गई। इसके बाद फिर दो प्रश्न हैं आपके, ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपको ये। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एन पी सो दैट पी वाई एन प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन आर, जो आपको एन के और पी दे रखे हैं। के आपके पास 3 होना चाहिए, एन आपके पास पी के बराबर होना चाहिए, यानी कि पी इज इक्वल टू एन के हो। ये यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ऊपर दे रखा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी जो हैं वो मैट्रिक्स हैं, किस क्रम की हैं। एक्स आपके पास 2 गुना एन क्रम की है, वाई आपके पास 3 गुना के क्रम की है, और जेड जो है वो 2 गुना पी क्रम की है, और डब्ल्यू जो है वो एन गुना 3 क्रम की है, और पी जो है वो पी गुना के क्रम की है। तो अगर आपको ये निकालना है तो क्या होना चाहिए। देखिए, ये रिस्ट्रिक्शन आपको पहले क्या करना है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 के लिए, 21 और 22 के लिए, एक्स का क्रम आपको दे रखा है 2 गुना एन के, फिर वाई का क्रम आपको दे रखा है 3 गुना के, जेड का क्रम आपको दे रखा है 2 गुना पी के, डब्ल्यू का आपको दे रखा है एन गुना 3 के, और P का क्रम आपको दे रखा है P गुणा के, ठीक। पहले वाले पार्ट में आपसे ये चाह रहा है पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई के, मतलब कहने का ये है कि Y की गुणा P में भी हो जाए और Y की गुणा W में भी हो जाए। देखिए, इस Y की गुणा यहाँ पे P में भी हो जाए, ठीक है। Y की गुणा यदि आप P में करना चाहते हैं तो K की वैल्यू P के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हमारे पास आया P इज इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है। पी वाई निकालना है हमें इसमें, और डब्ल्यू वाई निकालना है तो W की गुणा वाई में करनी है, यहां पे W की गुणा वाई में, तो N इज इक्वल टू के भी होना चाहिए। तो क्या रिजल्ट हमारे पास आया, यानी के P बराबर के बराबर एन के होना चाहिए हमारे पास। दोबारा एक बार फिर से समझिए, यदि हमें पी वाई ज्ञात करना है, पी वाई ज्ञात करने के लिए हमें वाई की गुणा करनी पड़ेगी, पी की गुणा करनी पड़ेगी पी वाई। पी का क्रम है हमारे पास पी गुणा के, और वाई का क्रम है हमारे पास 3 गुणा के। तो अगर हम इसमें y की गुणा करना चाहते हैं 3 गुणा k क्रम की, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए, k की वैल्यू 3 होनी चाहिए। और जब हम wy निकालना चाहते हैं w, और उसकी गुणा करनी है y में 3 गुणा k w इंटू वाई, तो गुणा तो इसकी हो ही जाएगी, तो n गुणा k क्रम की आ रही है, ठीक है ना। बात कुछ समझ में आई। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, यहाँ पे आ जाइए, P हमें गुणा करनी है Y की प्लस में W, फिर गुणा करनी है Y की, इनका क्रम लिखते हैं हम इसमें। P का क्रम है आपके पास P गुणा K, ठीक है। Y का क्रम है आपके पास 3 गुणा K, W का क्रम है आपके पास N गुणा 3, और y का क्रम है आपके पास 3 गुना k। अब ध्यान दीजिए, यदि हमें p y की गुणा करनी है तो हमने आपको बताया था कि इसका और इसका मान समान होना चाहिए, तभी तो गुणा संभव है। तो यानी कि k का मान 3 के बराबर होना चाहिए, हमने पहला रिजल्ट निकाल लिया। अब जब आप p y निकालेंगे तो वो किस क्रम का आएगा हमारे पास, बीच वाले को खत्म करते हैं तो p गुणा k क्रम का आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जब गुणा करते हैं हम इसकी, ये तो तीन है ये भी तीन है, गुणा हो ही जाएगी। तो यानी कि डब्ल्यू वाई हमारे पास किस क्रम का आएगा, वो हमारे पास आएगा एन गुणा के, ठीक है। और यदि हमें इन्हें जोड़ना है, जोड़ने के लिए ये क्रम आपका समान होना चाहिए तभी तो जुड़ सकते हैं ये, तो बाद में k तो है ही, तो p बराबर एन के भी हमारे पास होना चाहिए। यहाँ से n बराबर p या p बराबर एन के, तो हमारे पास दो रिजल्ट निकल के सामने आइए, यानी कि k बराबर तो तीन होना चाहिए और n बराबर p के होना चाहिए। ये रिजल्ट अब ढूंढते हैं हम, इसमें कहीं दे रखा है क्या, k बराबर तीन और p बराबर एन के, पहले वाला ही पार्ट इसका सही है। इस तरीके से आपको इसे देखना पड़ेगा। दूसरे पार्ट में फिर आपको क्या दे रखा है, दूसरे पार्ट में यही हम समझते हैं, दूसरे पार्ट में आपसे ये निकलवाना चाह रहा है इसी का सेकंड पार्ट, 22 क्वेश्चन है ये, इसमें हमसे निकलवाया जा रहा है इफ एन बराबर पी के। ये दिया गया है कि एन बराबर पी है तो आपको 7x माइनस में 5 जड़ निकालना है। देखिए 7, x की क्रम क्या है हमारे पास, x का क्रम है 2 गुना एन के माइनस में, और 5 इंटू जड़ का क्रम क्या है हमारे पास, जड़ का क्रम हमें दे रखा है 2 इंटू पी के, ठीक है। ये तो अब जब हम इसे जोड़ेंगे, जोड़ तभी सकते हैं यदि ये n बराबर p के हो, ये तो दो है ही आपके पास, यदि समान क्रम होगा तभी जोड़े जा सकते हैं, बाहर कांस्टेंट से हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और p बराबर n इसने हमें दे ही रखा है। तो ये कह रहा है कि जो ये मैट्रिक्स आएगी अब इसका क्रम क्या होगा, तो यानी कि इसका क्रम 2 गुना n ही होगा या 2 गुना p ही होगा हमारे पास, ठीक है ना। जोड़ने पर 2 गुना n या 2 गुना p ही हमारे पास इसका क्रम आएगा, यही हमें इसमें से ढूंढना था, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स का यदि आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है वो किस तरीके से दी जाया करती थी, ए आई जे के रूप में दी जाया करती थी, आई जे यहाँ पर सफिक्स है, कितना भी उसका क्रम हो सकता है, एम गुणा एन हो या कुछ भी हो, ठीक। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज के लिए या तो ऊपर टी लिखते हैं या हम डैश लगा देते हैं, इसे ट्रांसपोज बोलते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास होता है उसका हम क्रम परिवर्तन करते हैं, जे आई हो जाता है ये। ये शायद कुछ आपके समझ में ना आया हो, हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ए एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यदि अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करने का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया ए आई जे को ए जे आई के रूप में लिखना है, यानी कि पंक्ति को स्तंभ की जगह और स्तंभ को पंक्ति की जगह परिवर्तित कर देना है। तो हमारे पास यहाँ जो स्तंभ है 2, 5, इसका सफिक्स क्या है, A11 है, ये तो जुका तो रहेगा यहीं पर, इसके सफिक्स की बात करते हैं, ये कौन है, A21 है। A21 को जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, A12, यानी कि A12 की जगह रखोगे इसे यहाँ पे 5, इसी तरीके से 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, ये आ जाएगा। मतलब जो हमारे पास स्तंभ थे उनकी तो हमने पंक्तियाँ बना दी, और जो हमारे पास पंक्तियाँ थी उनका हमने स्तंभ बना दिया। अब शायद कुछ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। किसी का भी ट्रांसपोज करते हुए हमें पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देना है, उसे बोलते हैं परिवृत्त आव्यूह, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं आपकी। पहली प्रॉपर्टीज, अगर किसी के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वापस वही
मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। देखिए जो उदाहरण हमने बताया था आपको, अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज करूँ तो फिर से वापस यही मिल जाएगी आपको। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज जो होता है वो एडिशन पर या सब्ट्रैक्शन पर, जोड़ने पर या गुणा करने पर वितरित हो जाता है, यानी कि वितरण नियम के पालन करेगा। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इनका अलग अलग हम ट्रांसपोज कर सकते हैं और फिर जोड़ सकते हैं। यानी कि दो आव्यूह को जोड़ने के बाद उसका ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके उन्हें जोड़ दें, मान समान आएगा। ठीक। तीसरा और इम्पोर्टेंट, अगर हम दो आव्यूह की गुणा का ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए और बी एक आव्यूह था, दोनों की हम गुणा करते हैं, गुणा इनकी संभव है, ए भी पॉसिबल है, ये हम मान के चलते हैं, और उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो इन पर वितरण अलग अलग नहीं करेगा, इनके क्रम को परिवर्तन कर देगा, बी ए यानी कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यदि आपको ए बी का ट्रांसपोज निकालना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बी के ट्रांसपोज से ए के ट्रांसपोज की गुणा करनी पड़ेगी, ये अंदर का क्रम परिवर्तित हो जाता है। और चौथा है, सिंपल है ये, अगर कोई कांस्टेंट आपको दे रखा है किसी मैट्रिक्स के साथ में और ट्रांसपोज कराया जा रहा है, तो इस कांस्टेंट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बाहर हो जाएगा और ये ए के ट्रांसपोज के इक्वल, यानी कि ट्रांसपोज में भी ये उसी तरीके से गुणा करेगा जैसे उस आव्यूह में गुणा कर रहा था। तो ये कुल मिला के आपके पास इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। मेनली आपकी ध्यान करने वाली पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से वही आव्यूह मिल जाता है। दूसरी, योग पर या अंतर पर, अगर ये माइनस भी होता तो भी योग पर और अंतर पर ये आपका वितरण नियम का पालन करता है। और इसी प्रकार से अगर गुणन पर आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ट्रांसपोज के गुणन के क्रम को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इन तीन को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे और समझ भी लेंगे। ठीक है ना, ये आपके ट्रांसपोज पर आधारित प्रश्न थे, ट्रांसपोज पर आधारित प्रॉपर्टी थी। इस पर आधारित जो प्रश्नावली होगी वो हम कल वाले सेशन में करेंगे। जो बच्चे पीछे छूट गए हैं, अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम है कि वो अच्छी तरीके से इन प्रश्नावलियों को कर लें। कल हम फिर ट्रांसपोज वाली ये एक्सरसाइज करेंगे 3.3। ठीक है बच्चों, कल हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, 3.2 तो हमारी हो चुकी है। वैसे सिंपल क्वेश्चन है शुरू शुरू के, अगर आप एक दो देखना भी चाहते हैं तो वो आप खुद भी समझ के कर सकते हैं। जैसे पहले का पहला ही पार्ट आपको दे रखा है 3.3 में, एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए मान लेते हैं इसे, ये आपको दी गई है 5 1/2 और -1। अगर हमें इसका ट्रांसपोज करना है तो अब इस स्तंभ को किस में लिख देंगे, पंक्ति में, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसी तरीके से सारे पार्ट हैं इसके, थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है ए एक मैट्रिक्स है जो है हमारे पास -1, 5 और 6, फिर है हमारे पास √3, 5 और 6, फिर है हमारे पास 2, 3 और -1। अब यदि आपको इसका ट्रांसपोज करना है तो मैंने कहा स्तंभ को पंक्तियों में लिखना शुरू कर दीजिए। इस स्तंभ को लिख देंगे तो -1, √3 और 2 हो जाएगा, इसे लिखेंगे तो 5, 5, 3 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे तो 6, 6 और -1 हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कोई वर्ग आव्यूह है, जैसे ये 3×3 क्रम का आव्यूह था, तो उस पर कभी भी डायगनल के एलिमेंट चेंज नहीं होते। जो आपका विकर्ण है इसका, उसके एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, बस ये जो ऊपर रखे हुए एलिमेंट हैं ये नीचे आ जाएंगे, यानी कि पलट जाएंगे। 5 यहाँ पर आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये √3 वहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा। तो ये केवल वर्ग आव्यूह पर ही अप्लाई होगा, जो वर्ग आव्यूह आपको दिए जाएंगे केवल उन्हीं के लिए है। तो इसके कुछ प्रश्न यदि आप 3.3 के करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे ट्रांसपोज को अच्छी तरह
समझ लेंगे। तो ये परिवृत्त आव्यूह वाली एक्सरसाइज हम अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।